पहला टीजर आ गया है। इसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया भी आ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, जहां एक एक्स यानी ट्विटर यूजर का लिखा हुआ ट्वीट भी काफी वायरल है, जिसमें उसने लिखा है कि साल का सबसे बड़ा फ्लॉप टीजर। वहीं कई लोग इस टीजर को लेकर बहुत प्यार जता रहे हैं। इंटरनेट ऐसी कई प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जो पुष्पा 2 के टीजर को कम अच्छा बनाती हैं और कौन सी बातें हैं जो अल्लू अर्जुन के फेवर में है। पहले बता दें, पुष्पा 2 द रूल एक तेलुगु फिल्म है जो 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। फिल्म सुकुमार द्वारा निर्देशित है और इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल और मोहन लाल मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। पुष्पा 2 के लिए जगपति बाबू, प्रकाश राज, साई पल्लवी और सुनील को भी चुना गया है। फिल्म के पहले पार्ट से ही इसको लेकर काफी हाइप बन चुका है। अल्लू अर्जुन इस फिल्म के लिए कई तारीफें भी बटोर चुके हैं, यहाँ तक उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन सवाल ये है कि पुष्पा 1 में जितना अल्लू अर्जुन का किरदार लोगों को भाया था, क्या पुष्पा 2 में भा पाएगा? उसके टीजर से कुछ बातें साफ भी हुई हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस टीजर में सबसे ज्यादा ध्यान बटोरा है अल्लू अर्जुन के लुक में। अल्लू अर्जुन ने अपनी फेमिनिन साइड को भी थोड़ा आगे रखा है। पुष्पा 2 के टीजर में वो साड़ी पहने अर्ध नारीश्वर लुक में दिखाई देते हैं। अल्लू अर्जुन का लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है, जहां वो साड़ी, अलताब, बिंदी, झुमके और मेकअप के साथ ही नजर आ रहे हैं। फैंस एक्टर के इस अवतार की कहानी को भी जानने के लिए काफी बेताब है। जहां सोशल मीडिया पर हर तरफ अल्लू अर्जुन की जय जयकार हो रही है, वहीं कुछ लोग इसे साइज भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नजर डाले तो कुछ लोगों को पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन को लार्डन देन लाइफ वाला हीरो दिखाने पर आपत्ति है। वहीं कुछ लोगों को पुष्पा 2 के टीजर में कमी नजर आई, जहां अल्लू अर्जुन का चेहरा काफी डार्क दिखाई पड़ रहा था। वहीं कई लोग टीजर को लेकर खुद टीज हो गए, क्योंकि पुष्पा 2 का हाइप कई गुना ज्यादा है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें पुष्पा 1 पसंद नहीं थी, इसलिए पुष्पा 2 भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आएगी। इस समय सोशल मीडिया अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म को लेकर इसी तरह के रिव्यूज दे रहा है। आपका क्या कहना है, ये जानना इम्पोर्टेंट है।